आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से अपने चैनल के लिए, अपनी वीडियो के लिए सब्सक्राइब वाला बैल इंट्रो कैसे बना सकते हैं। और साथ ही वीडियो के एंड में आप सभी को ये भी बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो में इसको कैसे सेट करेंगे, कैसे इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे। और दोस्तों, आप अगर काइनमास्टर का यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं विदाउट वेटर मार्क वाला काइनमास्टर यूज करना, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर मिलते रहें और आप हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर काइनमास्टर ओपन हो चुका। अब यहाँ पर हम मीडिया पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर यूट्यूब वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सिंपली मीडिया पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके उस ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सिंपली प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये सब्सक्राइब वाला बटन आया है और यहाँ पर बेल आइकन प्रेस हो गई। तो दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेयर पे। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का एक लोगो ले लेना है। अपने चैनल का एक लोगो सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इस लोगो को हमें छोटा कर लेना है। यहाँ पर हमें अच्छे से इसको सेट कर देना है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने अपने चैनल के लोगो को सेट कर दिया है। उसके बाद में आपको यहां पर एक बार फिर से लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपने चैनल का नाम एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मेरे चैनल का नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर मैं दो लाइन में इसको लिख देता हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने इसको दो लाइन में लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर लेके आना है, सिंपली इसी पे फिक्स कर देना। उसके बाद में आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली इसको ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पर ये चैनल का नाम ब्लैक हो गया और यहाँ पर अभी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं शैडो को ऑफ कर देता हूँ। शैडो को ऑफ कर देता हूँ और इसकी जो है फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि ये फिक्स हो गया। अब इन तीनों लेयर को एकदम फिक्स कर लेना है, तीनों को बराबर कर देना है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं कि ये तीनों लेयर एकदम बराबर हो गई, एकदम साइज की हो गई हैं। अब हमें यहां पर क्या करना है, पहले फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट वाली लेयर पर। इसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्लाइड अप पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको लोगो वाली लेयर पर क्लिक करना है। लोगो वाली लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और आपको फिर से स्लाइड अप पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इफेक्ट और डालना है। यहाँ पर क्लिक करना है फिर से टेक्स्ट वाली लेयर पे और यहाँ पर क्लिक करना है आउट एनिमेशन। यहाँ पर आउट एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद स्लाइड डाउन पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे वाली लेयर पे भी क्लिक करने के बाद आपको आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्लाइड डाउन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने स्लाइड डाउन पर क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आया और सब्सक्राइब हुआ, बेल आइकन प्रेस हुई और चला गया। तो दोस्तों, अब इसको क्या करना है, इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आते हैं हम बाय इसको कैसे सेट करना है अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, इसको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सेट करेंगे, सेट करने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना होगा और मीडिया पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का फोल्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और आपको ये ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना और इस ग्रीन स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे लेके आ जाना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोमा की, तो यहाँ पर इसको एनेबल कर देना।
एनेबल करने के बाद आप इसको वीडियो को प्ले करते हैं तो देखिए आप कैसे आ रहा है ये स्टेट में वॉइस है, और यहाँ पर हम किसी वॉइस को प्ले करेंगे तो वो वॉइस हमारी देख सकते हैं आप ये किस तरह से आया और सब्सक्राइब हुआ चला गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर इसको आप बड़ा भी करना चाहते हैं तो ये आसानी से बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन इसको अपने वीडियो के हिसाब से ही रखिए दोस्तों, तो ज़्यादा ही बेटर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।